टू माई चैनल, दिस इज पार्वती। तो गाइज, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि समाना स्टेट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल टूर, तो ये पार्ट टू है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रूम टूर कैसा है। रूम टूर मतलब बस ये बताऊंगी कि रूम में क्या क्या फैसिलिटीज है, देन किचन कैसा है, यहाँ क्या क्या, अगर दैट इज गर्ल्स एंड बॉयज का सेपरेट है या नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स में। तो मैं अभी यहाँ पे एंट्रेंस पे खड़ी हूँ, दैट इज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया यहाँ पे सिक्योरिटी है, एंड यहाँ मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे भी आपको एक रूम दिख रहा है, जैसे ये सीसीटीवी है। इस रूम में आप लोग आपके रूम के कीज दे सकते हो, लाइक जब भी आप बाहर जा रहे हो तो आप कीज दे सकते हो यहाँ रखने के लिए। तो गाइज, ये यहाँ का फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉफी एरिया है, दैट इज आप कभी भी यहाँ पे आके कॉफी ले सकते हो। देन मैं रहती हूँ फोर्थ फ्लोर पे। तो गाइज, यहाँ हमारा लिफ्ट है, ये देखिए ये लिफ्ट है, यहाँ से हम जाएंगे फोर्थ फ्लोर पे। तो लेट्स गेट इन। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है इताश फोर, दैट इज फोर्थ फ्लोर। यहाँ पे दो पार्टीशन है एक ही बिल्डिंग के, दैट इज ये एक साइड है एंड वो एक साइड है, वहां मेरा रूम है। यहाँ पे भी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, दैट इज ये हॉस्टल नंबर 5 है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इस हॉस्टल में सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ अलग अलग रूम्स है, यहाँ क्लॉथ स्टैंड है जहाँ पे उन्होंने कपड़े सुखाने डाले हैं। तो अब मेरे फ्लोर के साइड चलते हैं, दैट इज बी साइड में, ये ए विंग दैट इज बी विंग, तो इस साइड चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेंट्रली हीटेड है सब कुछ, तो इवन इफ यहाँ अगर बाहर -5, -10, -15 रहे टेम्परेचर, आप लोगों को नहीं पता चलेगा क्योंकि अंदर नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ये फोर्थ फ्लोर पे गाइज ये एक रूम है, एंड यहाँ आप लोग आगे जाओगे तो यहाँ राइट साइड में भी एक रूम है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ क्लॉथ स्टैंड है, यहाँ एक बालकनी है जो कि आपको एवरी फ्लोर पे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एवरी फ्लोर पे दो दो रूम्स है, दैट इज ईच रूम के अंदर आपको दो थ्री रूम्स अंदर मिलेंगे। तो ये यहाँ का व्यू है, ये हमारे हॉस्टल का व्यू है। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि बहुत टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, दैट इज इंडिया जैसा है, समर सीजन है, 25-26 टेम्परेचर है, तो स्नो वगैरह तो कुछ नहीं, एकदम प्लेजेंट है यहाँ का। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ जैसे मैंने बोला कि फोर्थ फ्लोर पे ऐसे दो रूम्स है, ईच रूम के अंदर आपको तीन रूम्स मिलेंगे, जैसे ये एक डोर है, ये एक है एंड ये एक है, एंड यहाँ आपको किचन मिलेगा। तो अब मैं आपको मेरे रूम की तरफ ले जाती हूँ। गाइज, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ रूम नंबर 407 में रहती हूँ, या 407, रूम नंबर 408 एंड रूम नंबर 409 है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज मिक्स रहते हैं, दैट इज 407 में हम गर्ल्स रहते हैं, 409 में इंडियन बॉयज, एंड ये यहाँ का किचन है। तो ये आप देख सकते हैं, देख सकते हो कि इंडियन खाना बन रहा है, हम ही लोग खाना बना रहे हैं, आलू बनाया हुआ है, देन कुकर, मैंने आप लोगों को बताया प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ कुकर नहीं मिलेगा तो आपको ले आना है। तो ये आपको 4 हॉग बर्नर स्टव एंड एन अवन मिलेगा, एंड ये यहाँ का व्यू है। तो दिस वाज ऑल फॉर किचन, एंड ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, दैट इज फायर सेफ्टी रूल्स के बारे में हॉस्टल के, कि आपको यहाँ क्या करना है एंड क्या नहीं करना। एंड यहाँ पे भी आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर का ऑप्शन मिलेगा, दैट इज इवन आप बाथरूम में रहो, किचन सिंक में रहो, हर जगह आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलेगा 24/7। तो गाइज, दिस इज माय रूम 407, यहाँ पे भी दो रूम्स है, यहाँ सारे इंडियंस रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये धनश्री है, कुछ खाना बना रही है। हाय धनश्री, कहाँ से है तू? मैं महाराष्ट्र से हूँ। ओके, यहाँ कैसा लग रहा है समारा में? बहुत अच्छा लग रहा है समारा, बहुत अच्छा सिटी है। ओके, एंड दिस इज अलशिपा। हाय अलशिपा। हेलो, क्या कर रही हो? मूवी देख रही हूँ। ओके, कहाँ से हो तुम? एमपी। ओके, तो ये देख सकते हो अलशिफा का रूम, बहुत प्यारा सा रूम है, ये देख सकते हो आप। तो ये अलशिफा का रूम है, एंड नेक्स्ट जो रूम है ये मेरा है, यहाँ मैं एंड मेरी रूममेट रहते हैं। सो आप लोगों को मैंने बताया कि 2 बेडेड रूम्स है, दिस एंड दिस, सो दिस इज माय रूममेट। हाय शिवानी। हाय, कहाँ से हो तुम? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, एंड समारा में कैसा लग रहा है? समारा में मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि समारा सिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ब्यूटीफुल है घूमने के लिए भी, और हमारा
यूनिवर्सिटी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, तो सेटिस्फाइड है। मेन क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि समारा यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है या इंग्लिश, तो इसके बारे में क्या बोलोगे तुम? एकदम फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है विद 6 ईयर्स, हमें इस चीज का प्रूफ भी दिया गया है, प्लस हमें हमारे सारे टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो ओके गाइज, दिस वॉज ऑल, आपने शिवानी से भी सुना ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या है समारा यूनिवर्सिटी, कैसा है। तो मैंने आपको बताया बेसिक एमिनिटीज, लाइक आपको एक स्टडी टेबल मिलेगा, 2 चेयर्स, देन उसके अलावा ये है बुक शेल्फ आपको बुक्स रखने के लिए, आप देख सकते हो छोटा सा मंदिर भी है हमारे रूम में। एज यू नो इंडियंस के लिए पूजा पाठ कितना इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ का व्यू है। देन आपको यहाँ एक वार्डरोब दिया जाएगा वेर आप लोग यहाँ पे सारे अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो, यू कैन स्टोर ऑल ऑफ दैट। देन एन एक्स्ट्रा टेबल एंड दिस इज मी रिकॉर्डिंग द वीडियो, एंड ये भी आपको एक छोटा शेल्फ दिया जाएगा बर्तन एंड ऑल रखने। तो यही था रूम के बारे में। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ यहाँ है वॉशरूम एरिया, दैट इज ये वॉशरूम है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलेगा। देन मैं आपको बताऊंगी अभी बाथरूम, दिस इज द बाथरूम गाइज, ये यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे भी आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलेगा जो कि आपको 24/7 मिलेगा, एंड देन यहाँ एक एरिया है सब कुछ रखने के लिए। तो अब हम चलते हैं बॉयज की रूम में, दैट इज रूम नंबर 409। तो ये मेरे रूम के अपोजिट है रूम नंबर 409, जहाँ यहाँ पे भी इंडियंस रहते हैं, दैट इज बॉयज रहते हैं यहाँ। तो ये आप देख सकते हो, लेकिन ये 3 पर्सन का रूम है। तो मैंने आपको बताया गाइज कि यहाँ के हॉस्टल्स में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेम हॉस्टल है, दैट इज इवन ऑन सेम फ्लोर गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ रहते हैं, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन, बट यहाँ का सिस्टम ऐसा है। एंड ये यहाँ इनका बाथरूम है, एंड दिस इज देयर ऑल्सो वॉशरूम। तो ये सेम एमिनिटीज आपको हर जगह मिलेंगी। तो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज, यही था गाइज रूम टूर वीडियो में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ के हॉस्टल्स में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेम फ्लोर होता है, दैट इज ऑन द सेम फ्लोर आपको बॉयज भी रहते हुए मिलेंगे गर्ल्स भी, बट सेम रूम नहीं मिलता, दैट इज इस साइड के, जैसे मैंने आपको बताया रूम नंबर 407 में हम गर्ल्स है, एंड अपोजिट साइड आपको बॉयज मिलेंगे। तो यहाँ हम सारे इंडियंस ही रहते हैं, हम लोग कुकिंग भी करते हैं, तो कुकिंग के टाइम भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारा इंडियन फूड होता है। तो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो, सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।